नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्षी इकबाल, अर्षी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से। आज मैं एक परेशानी को रफू चक्कर करने आई हूँ और आज हम टॉपिक ले रहे हैं एजोस्पर्मिया। जी हाँ, बहुत सारे मेरे दोस्त, बच्चे, भाई परेशान रहते हैं ये एजोस्पर्मिया क्या है और क्यों है और मुझे ही क्यों है सबसे बड़ी परेशानी, और समझ भी नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि करें क्या। तो इन पूरी चीज़ों का A to Z समाधान लेके मैं इस टॉपिक में आई हूँ, तो आखिर तक बने रहिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और लाइक और सब्सक्राइब बनता है, ठीक है? और लास्ट में आपको बहुत सारी टिप्स भी आएंगी, बीच बीच में भी आएंगी। तो प्लीज़ ये नहीं कि है ना, फास्ट करके देखें, हर चीज़ काम की है। तो एजोस्पर्मिया क्या होता है? एजोस्पर्मिया शुक्राणु का एक काउंट होता है हर पुरुष में। मैं पूरा डिटेल बताऊं, क्योंकि मेरे को ये भी पता चला है कि बहुत सारे पुरुषों को ये भी नहीं पता कि उनके वीर्य में शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म्स बोलते हैं, वीर्य यानी सीमेन। हर पुरुष जो द्रव प्रोड्यूस करता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से निकलता है, उसे सीमेन बोलते हैं। और उस सीमेन में स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म का दूसरा हिंदी रूपांतर है शुक्राणु। और हर पुरुष जो कि एडोलेसेंट एज में आ जाता है, वहाँ पे उसके शुक्राणु बनने लग जाते हैं। उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, जिसे हम शुक्राणु की थैली बोलते हैं, जो कि दो बाहर होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये बाहर क्यों होते हैं, पेट के अंदर क्यों नहीं होते? तो भगवान ने शुक्राणु की जो थैलियाँ बनाई हैं, जो बाहर लटकी हुई होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि इनको ठंडक चाहिए होती है, इनको तापमान जो बॉडी का 37 डिग्री होता है उससे कम चाहिए होता है। तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसीलिए ये बाहर होते हैं। ये ठंडे रहें, इनमें हवा लगती रहे और ये शुक्राणु प्रोड्यूस बनाते रहें। तो शुक्राणु बनने के लिए वातावरण ठंडा चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ किस में प्रॉब्लम आएगी शुक्राणु बढ़ने में? वो लोग जो गर्म जगहों पे रहते हैं, वो लोग जिनके काम में गर्म है, गर्मी का काम है, जैसे फर्नेसेस हो गई, भट्टे हो गए, या ऐसे काम जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान जाता है, वो डेफिनेटली टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तो शुक्राणु मरने लग जाएंगे, शुक्राणु की चाल अफेक्ट होगी। तो सबसे पहली चीज़ यहीं से आ गई कि फिर जो गर्म देश के हैं, मुल्कों के, वहाँ पे भी शुक्राणु की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एजो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक पुरुष के वीर्य में देखनी चाहिए, उसके क्या काउंट होने चाहिए। एक आम इंसान को नहीं पता ना, तो आप कैसे अपनी रिपोर्ट देखेंगे? जब आपने रिपोर्ट गए, आपने कराई, तो कैसे पता चलेगा ये सही है नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डायरेक्टली जाके लैब में अपनी रिपोर्ट कराते हैं। तो उन रिपोर्ट को कराने के पहले की क्या सावधानियां होती हैं वो भी बताऊंगी। और फिर जब आपने वो वीर्य की रिपोर्ट करा ली, तो उसमें जो कमियां आई वो क्या होती हैं, फिर मैं बताऊंगी कि उनको सही कैसे करा जा सकता है, क्या दवाएं हैं, क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं कुछ खान पान की चीज़ें भी बताऊंगी जो आपके शुक्राणु के काउंट को सही करेगी। तो सबसे पहले आते हैं, कैसे पता चलेगा कि मेरे शुक्राणु कम है? तो बहुत आसान है, सीमेन एग्जामिन होता है, सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वीर्य को मैस्टरबेट करके सैंपल बाहर निकाले। अब सैंपल काहे में निकाले? कोई भी शीशी में? बिल्कुल नहीं, शीशी स्टराइल होती है। आप लैब पे जाएंगे, वाइड माउथ बॉटल होगी, स्टराइल होगी, उसमें आप अपना सीमेन कलेक्ट करेंगे। मैस्टरबेट सैंपल होता है, बहुत सारे लोग जो नहीं दे पाते वो घर से सैंपल लेके जाते हैं। परंतु अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर आदमी तो वहाँ नहीं दे सकता, तो सैंपल कितनी देर में गाना लैब तक पहुँचना चाहिए? तो देखिए, लैब सैंपल निकलने के और लैब के पहुँचने में आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सपोज़ बहुत गर्मी के दिन है, मई जून के दिन है, तो आप उसको धूप में नहीं लेके जाएं, शाम के टाइम करवाएं। मतलब मौसम ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, अगर आप उसको घर से वहाँ तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि शुक्राणु बहुत बहुत नाजुक होते हैं, वो मर जाएंगे रास्ते में। चलिए, तो ये हो गया कलेक्शन, आपने कलेक्ट करा। एक और सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट,
कितने दिन का एब्स्टिनेंस होना चाहिए? एब्स्टिनेंस मतलब कितने दिन पहले निकाला हुआ होना चाहिए या कितने दिन पहले संबंध रखे हुए होना चाहिए? क्योंकि आप किसी भी लैब पे जाएंगे, वो कहेंगे 7 दिन का एब्स्टिनेंस, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत। 2 से 4 दिन इज द मैक्सिमम एब्स्टिनेंस पीरियड विच यू नीड टू फॉलो, यानी कि 2 दिन से 4 दिन तक का एब्स्टिनेंस जो आपने वीर्य नहीं दे रखा हो वो सफिशेंट है, 7 दिन नहीं। WHO का जो रिसेंट गाइडलाइंस, जो क्राइटेरिया है, वो ये कहता है कि 2 से 4 दिन सफिशेंट है। अब कोई व्यक्ति 1 दिन पहले ही दे चुका है तो उसका नहीं होगा, देखिए अगर ज़रूरत हो तो वो भी करा जा सकता है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर प्रेफर करते हैं 2 दिन का, पर 7 दिन का नहीं। तो आपको ये भी पता चल गया कि कितने दिन का एब्सटिनेंस होना चाहिए, आपने कलेक्ट भी कर लिया, 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर आपने भेज भी दिया या आपने लैब में दिया। अब किसी भी लैब में आपने वहीं पे दिया इन प्रमाइसेस, तो वो 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर आपके हाथ में रिपोर्ट होना चाहिए। अगर व्यक्ति ये कहता है कि कल ले लेना, परसों ले लेना, तो ये नहीं होना चाहिए। आप वहाँ रुकिए, इंतज़ार करिए और हाथों हाथ लीजिए, क्योंकि अगर वो सैंपल नहीं चेक हुआ और उसको छोड़ दिया गया तो भी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। फिर और क्या देखने की चीज़ है, क्या हर किसी लैब में जाके करा लेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले ये देखिए कि लैब सही है कि नहीं, वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं नहीं है। किसी ऑथराइज्ड लैब से जाइए जिसके साथ पैथोलॉजिस्ट जुड़ा हो, जो एक अच्छे लेवल का हो। क्यों? क्योंकि जो स्लाइड होती है वो सादा स्लाइड नहीं होती, वो एक स्टैंडर्ड स्लाइड होती है जिसपे आप शुक्राणु की रीडिंग करते हैं। तो अक्सर छोटे मोटे लैब वाले WBC स्लाइड पर कर देते हैं, तो आपके जो रीडिंग है वो अफेक्टेड होती है। तो डेफिनेटली स्लाइड होना चाहिए उसकी, जिसमें चेम्बर्स बने होते हैं उस पर रीड करा जाता है। तो छोटे लैब में वो स्लाइड्स नहीं होती हैं। फिर काउंट आ गया, रिपोर्ट आपके हाथ में, अब रिपोर्ट को कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तादाद कितनी होनी चाहिए, यानी वॉल्यूम 2 to 5 ml, यानी 2 ml से 5 ml नॉर्मल होता है वॉल्यूम। खराब क्या रहा अगर 2 ml से कम है? तो बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जहाँ पे 0.2 ml, 0.5 ml, ये जो चीज़ है ये गलत है। क्यों? 2 से 5 ml नॉर्मल है। ठीक, ये जो वीर्य आता है 2 से 5 ml, ये क्या केवल शुक्राणु होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये जो आपकी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे प्रोस्टेट, सेमेनल वेसाइकल, जो ग्रंथियां होती हैं रास्ते में, वो द्रव निकालती हैं और उसमें वो एज अ कैरियर एक्ट करती हैं उस शुक्राणु को ट्रैवल करने के लिए। तो शुक्राणु सूखे में तो जी जा सकते हैं, उनके हाथ पांव थोड़ी हैं, उनकी तो एक पूंछ है जिससे वो चल रहे हैं। तो ये जो लिक्विड है जो ग्रंथियों से निकला, प्रोस्टेट से निकला, सेमाइनल से निकला, ये बहुत सारी चीज़ों से जो निकलते हुए आते हैं, जो 2 to 5 ml होता है उसमें वो तैरता हुआ उसके थ्रू जा रहा होता है, ड्राई उसमें नहीं जा सकता। तो अगर आपका वॉल्यूम कम है 2 ml से, यानी कि ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है इन ग्रंथियों का, या कोई ना कोई कारण हो सकता है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो अब वॉल्यूम हमने देख लिया, जब आपने सैंपल दिया लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने आपका देखा मात्रा सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीज़ देखी जाड़ा कितना है, गाढ़ा गाढ़ा बोलें या जाड़ा बोलें या थिकनेस बोलें, कितना विस्कस है, वो बिल्कुल पस की तरह है या पानी की तरह है। तो जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारी औरतें कहती हैं बिल्कुल पतला है, नहीं, पतला नॉर्मल होता है, बहुत गाढ़ा इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जब वो निकलता है तो गाढ़ा होता है, 15 मिनट के बाद वो लिक्विफाई हो जाता है। तो अगर 15 मिनट के बाद भी गाढ़ा रहता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो समझ में आ गया ना कि ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल ठीक, फ्लोई कंसिस्टेंसी सही है। कलर, तो कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का, हल्का मठमैला जिसे आप बोलते हैं। ठीक, ये ना तो लाल हो सकता, ना ये काला हो सकता, ना ये भूरा हो सकता, ठीक है ना? तो ये स्ट्रॉ कलर का होता है मठमैला। उसके बाद लैब में इसकी एसिडिटी चेक करी जाती है, ये एसिडिक है कि बेसिक है। उसके बाद आता है मैदान जिसमें ये दौड़ रहे हैं नहीं दौड़ रहे हैं, वो देखा जाता है। तो जो स्लाइड होती है उसमें अलग अलग चेम्बर्स बने होते हैं, द
10 चेंबर में गिनते हैं, तो शुक्राणु की पहले गिनती गिनी जाती है कितने पर एमएल के हिसाब से होती है। तो किसी भी व्यक्ति में 15 या 15 से ज़्यादा मिलियन पर एमएल अगर शुक्राणु हैं तो वो नॉर्मल है। दोबारा सुनिए, 15 मिलियन से ऊपर कोई भी चीज़ है वो कितने भी हो सकते हैं, वो 100 मिलियन भी हो सकते हैं, 110 मिलियन भी। तो पर ज़रूरी क्या है, आपको आखिरी का पता होना चाहिए, 15 मिलियन, ये याद कर लीजिए, 15 या 15 से ज़्यादा नॉर्मल है। और एमएल अपन को पता चल ही गया था कि कितने एमएल अपना वीर्य है, तो पर एमएल का काउंट अपने पास आ जाता है। ठीक, तो 15 से ऊपर है नॉर्मल है, अब 15 से नीचे है, सपोज 10 है, तो ये ओलिगोस्पर्मिया, क्या बोलते हैं इसको, ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, 15 मिलियन से कम था इसलिए इसको हमने क्या बोला, ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि कम है 15 से। अब चेक करा, एक भी शुक्राणु नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया। एक भी शुक्राणु नहीं है उसको क्या बोला, एजोस्पर्मिया। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको पता चल गए, ओलिगोस्पर्मिया यानी 15 से कम, एजोस्पर्मिया यानी नील शुक्राणु, शून्य शून्य। ठीक है, अब अगली चीज क्या देखेंगे, अगली चीज देखेंगे दोस्तों, चाल। हर इंसान की एक चाल होती है ना, लड़खड़ाती हुई सीधी, तो हम भी इनकी चाल देखेंगे। तो सबसे पहले चाल क्या है, वो शुक्राणु जो तंदुरुस्त है, बढ़िया है, वो एक्टिव मोर्टेलिटी में आएगा, यूं, क्योंकि पूंछ है, हाथ पांव तो है ही नहीं, इधर गया इधर बीट करा तो इधर जाएगा, इधर पटका तो इधर गया, तो इस तरह से छू ठू 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 इस तरह से चलता है और बहुत स्पीड में चलता है। ठीक है, दूसरा आ गया स्लगिश मोर्टेलिटी, अपनी जगह है, धीरे धीरे हिल रहा है परंतु आगे नहीं बढ़ रहा, तो प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी नहीं है, ये हो गई स्लगिश, सिर्फ हिल रहा है, जीवित है पर हिल रहा है। अब तीसरे आ गए वो शुक्राणु जो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है, पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, कोई चाल नहीं है, वो तो हिल भी नहीं रहे हैं, तो वो नॉन मोटाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन तरह हो गए, प्रोग्रेसिव हो गई, स्लगिश हो गई और एक नॉन मोटाइल हो गए। अब आपका काउंट आया था 15 मिलियन, 15 मिलियन को हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो चाल कितनी होना चाहिए, चाल हमारी होना चाहिए 40% एक्टिव और स्लगिश मिला के। ठीक है, 40% एक्टिव और स्लगिश मिला के, 60% कौन सी हुई, नॉन मोटाइल। तो अब ये हर पुरुष के नहीं होता, इससे ज़्यादा ही निकलेगा, नॉर्मल पुरुषों में ज़्यादा निकलेगा, पर कम से कम जो WHO ने क्राइटेरिया बनाया है वो ये बनाया है कि आपकी एक्टिव प्लस स्लगिश मोर्टेलिटी 40% हो, कम से कम, ये बात कर रहे हैं हम कम से कम की, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारी हो सकती है। तो स्लगिश मोर्टेलिटी, आपका शुक्राणु जो चेक हुआ था वो 15-20 मिनट में हो गया, तो स्लगिश मोर्टेलिटी ज्यादा की तरफ नहीं होना चाहिए, एक्टिव मोर्टेलिटी ज्यादा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वही शुक्राणु हैं जो चलते हुए जाएंगे और जो अंडे को निश्चेचित करेंगे, क्योंकि अंडा उसी शुक्राणु को सिलेक्ट करता है जो हेल्दी हो, जो स्वस्थ हो, जो पावरफुल हो, जो अपनी ताकत दिखा सके वहाँ, क्योंकि अंडे में हजारों शुक्राणु आएंगे उसके चारों तरफ, लेकिन अंदर एक ही एंटर होगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे नॉर्मल होगा, जो सबसे हेल्दी होगा। तो हेल्दी वाले में वही आएंगे जो प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी में है, तो ये इसीलिए ज़रूरी होता है। तो हमने क्या दो टर्म पढ़े, प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी, स्लगिश मोर्टैलिटी और नॉन मोटाइल, ये तीन चीज़ें देखें। उसके बाद हम आते हैं बनावट के ऊपर, मॉर्फोलॉजी, वो ऊपर से कैसा है, क्यों बात करना है मॉर्फोलॉजी की, सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे शुक्राणु की बनावट खराब होती है। तो बनावट में क्या क्या खराब हो सकता है, दो सिर हो सकते हैं, ऐसे दो निकले सिर निकले हुए हैं, दो पूंछ हो सकती हैं, पूंछ टूटी हुई हो सकती है, टेढ़े हो सकते हैं, आड़े होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें शुक्राणु में होते हैं। तो ये डिफेक्ट्स किन में होते हैं ज़्यादा, सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, या उसके कोई ऐसा पर्दा बंदा है जिसमें बहुत सारे
एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो बहुत गर्मी में काम करता है, तो जितने भी आपके एडवर्स चीज़ें होंगी वो सब आपकी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करेंगी। फिर कुछ अनुवांशिक भी होती हैं, उसके कारण भी आपके है ना डिफेक्टिव बढ़ जाएंगे, है? कुछ आपके प्रोफेशनल हजार्ड्स की वजह से बढ़ेंगे, केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी देखना पड़ता है कि नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं। तो किसी भी सीमेन में 4% मिनिमम नॉर्मल फॉर्म्स होने चाहिए। तो आप बताओ, 96% तो अपन ने उनको अलाउंस दे दी अब नॉर्मल की, तो 4% मैं बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, 4% एक बहुत छोटा सा फिगर है जो कि होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे ये 4% भी नहीं होते। तो आपने मॉर्फोलॉजी की भी बात कर दी, तो मॉर्फोलॉजी कितनी होना चाहिए? मिनिमम 4%, 4। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बंदे को जिसकी वजह से जाड़ा हो रहा है, काउंट कम हो रहा है, तो वो भी देखा जाता है, उसका भी तरीका होता है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें आप कल्चर करके देख सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इसमें है ना लंबी एंटीबायोटिक चलती है 20 दिन की, तो इन्फेक्शन सही हो जाता है, तो मरीज़ का जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो सुधारे जा सकते हैं। तो अपन ने क्या क्या बात कर ली? एजोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया, ऑलिगो एस्थेनो, जूस्पर्मिया, इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं, इन सब की बात कर ली। तो अभी आपको ये देखना आ गया कि आपके आपके पास जो रिपोर्ट है उसमें क्या है। ठीक, अब क्या क्या सही कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में तो यही आएगा ना कि ये है। और पुरुष जो होते हैं वो बहुत टेंशन करते हैं इस चीज़ों को लेके कि सही हो सकता है नहीं हो सकता, तो मेरी बात समझिए, ये सही हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, और आज तक सैकड़ों आदमी हैं जो मेरे पास आए हैं और जो सही हुए हैं। छोटे छोटे उपाय करने होते हैं। अब किसी व्यक्ति का अपन एक एक चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति के बहुत जाड़ा है, लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन देखें, उसको कल्चर करें, अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, तो वहाँ से वो चीज़ सही हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि उसका काउंट कम है, ऑलिगोस्पर्मिया है, तो क्यों है? तो सबसे पहले ये देखें कि उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या काम कर रहा है, वो गर्म की वजह से तो नहीं है, उसको वेरिकोसील तो नहीं है, उसका थायराइड लेवल नॉर्मल है, उसका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल है, उसका ईस्ट्रोजन लेवल क्या है, उसका कैरियोटाइपिंग क्या कहता है, तो ये कुछ जांचें हैं जिसको कर सकते हैं, उसका विटामिन डी लेवल क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन पुरुषों में मिलती हैं। तो ये कुछ श्रृंखला है जांचों की जो आपने करी, उससे आपको पता चल गया कि कहाँ खराबी है, आप उसको सही करिए, सही होगा। फिर ऑलिगोस्पर्मिया है, इंजेक्शन लगा के उसके काउंट को, अगर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप इसका काउंट को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे इंजेक्टेबल्स आते हैं जो आप लगाते हो, और ढेर सारे पेशेंट हैं जो सही होते हैं, नामुमकिन नहीं है, पर पता तो हो कि आपको करना क्या है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो 80% पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। आपको सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होते हैं, विटामिन सी लेना होता है, ई लेना होता है। ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता ट्रीटमेंट, 3 महीने के ट्रीटमेंट में मैक्सिमम मैक्सिमम फ़ायदा हो जाता है। तो इतना सारा टेंशन क्यों? कोशिश करिए, आगे बढ़िए, अंदर ही अंदर मत घुटिए, एक सीमेन रिपोर्ट कराइए, और फिर भी प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करिए, आगे बढ़िए, सही हो जाता है ये, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, यकीन मानिए। अब रही बात, ये थी ऑलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट, 80% रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब आप कहेंगे एजोस्पर्मिया जिनमें शुक्राणु नहीं है उसमें क्या करेंगे? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में अगर एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट है तो उसकी 3 रिपोर्ट होना ज़रूरी है। एक अकेली रिपोर्ट से आप किसी को एजोस्पर्मिक लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे पुरुष होते हैं जहाँ पे हम, मैंने खुद देखे हैं इतने अपने कैरियर में 20 साल में, कि जहाँ पे एक रिपोर्ट एजो आती है इसका मतलब वो एजो नहीं है, नेक्स्ट रिपोर्ट में नॉर्मल आ जाता है। तो कई बार स्पाज़म होता है, नहीं हो पाता, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ आप हथियार मत डालिए, आप निराश मत होइए, आप सेकेंड रिपोर्ट एंड थर्ड रिपोर्ट दूसरे दूसरे सेंटर से कराइए, और जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उन सबको फॉलो करिए नियम को, और उसके बाद कराइए, हो सकता है आपका एजो ना आए। अब फिर भी एजो आ रहा है तो क्या करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट में फ्रक्टोज है कि नहीं है, वो ब्लॉक देखने के काम आता है। अगर ब्लॉक है, फ्रक्टोज नेगेटिव है, तो डायरेक्ट अंडकोश से
आप शुक्राणु निकाल के उससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। और अगर ब्लॉक नहीं है और जो भी कारण है, तो आप उस कारण को ढूंढिए, कोशिश कर सकते हैं कि उसको सुधारें, या आपके अंडकोश से अगर रहना शुक्राणु निकल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी जा हैं जहाँ पे निकाले जा सकते हैं, वहाँ पे उसको इक्सी के द्वारा यूज़ करके बच्चा IVF करा जा सकता है। तो निराशा के पहले आशा है, निराशा ज़रूरी नहीं है कि आप लें। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपके बहुत काम की होंगी। बहुत सारे दंपत्ति हैं जहाँ पे पुरुष बहुत बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके परेशान होते हैं और बोल नहीं पाते। इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, इन सब पैरामीटर से देखिए आपको कहाँ इलाज से फ़ायदा हो सकता है। और 3 महीने तो एक बहुत छोटा सा टाइम है, 3 महीने एक ट्रायल देने में कोई बुराई नहीं है। और मैं कह रही हूँ 80% पेशेंट सही हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ट्रायल देना बनता है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो नया साल है, आप सबके लिए एक उम्मीद की किरण लेके आएगा और आपकी हर परेशानी दूर भाग जाएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मुझसे आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब देने का। और अगली श्रृंखला में दोस्तों फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.